आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। कल हम लोग देख चुके थे कायिक प्रवर्धन का दूसरा रूप, है ना। पर्दा को सही कर दो, थोड़ा लाइट आता है इसमें कैमरा पे, पर्दा को पूरा खिड़ा देना बढ़िया से, कैमरा पे लाइट आता है। ठीक ठीक छोड़ दो। देखो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कल हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप को ख़त्म कर चुके थे, आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। अगर हम लैंगिक प्रजनन का बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है? कह सकते हैं प्रजनन का वैसा प्रकार, प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें नए संतति का निर्माण, नए संतति का निर्माण निर्माण युग्मक संयुग्मन के द्वारा, युग्मक संयुग्मन के द्वारा होता है, युग्मक संयुग्मन के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें नए संतति का निर्माण युग्मक संयुग्मन के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसका अन्य नाम एम्फीगोनी भी है। इसमें होता क्या है? सो देखो, एक नर भाग लिया और एक मादा भाग लिया, ये है क्या? तो बोलेंगे एक है नर यानी मेल, समझो इसको, और दूसरा क्या है? फीमेल यानी मादा। एक नर है और एक मादा है। नर का शरीर में बनता है नर युग्मक। क्या बनता है? नर युग्मक यानी मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है? मेल गैमेट। और मादा के शरीर में बनता है मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। क्या बनता है? फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक। क्या बनता है? मादा युग्मक, समझो फिर लिख लेना, है ना। अब जो है सो ये बना, बनने के बाद क्या होता है कि ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिला, तो मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन यानी संयुग्मन। क्या कहते हैं? संयुग्मन। इसको कहते हैं संयुग्मन। और संयुग्मन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट यानी यहाँ युग्मनज बना। यही जायगोट आगे चल करके इम्ब्रियो बनाएगा, इम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा? नया संतान बन जाएगा विकसित हो करके। अब देखो इसमें, इसमें क्या देखे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्या देखे? प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें नए संतति का निर्माण, नए संतान का निर्माण युग्मक संयुग्मन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? युग्मक संयुग्मन के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव भाग लेते हैं। कितने जीव? दो जीव, यानी दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं, और दोनों प्रकार के युग्मक जब आपस में फ्यूज करते हैं तभी नया संतति का निर्माण संभव हो पाता है। जगह छोड़ दो। अब देखो इसमें
इसमें किस तरह से दो संतति भाग, दो जनक भाग लेते हैं, एक मेल है, एक मेल है और दूसरा फीमेल है, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। मेल का बॉडी में क्या बनेगा, ये दोनों क्या है, मेल और फीमेल क्या हो गया, पेरेंट्स, क्या हो गया, पेरेंट्स, और ये दोनों हो गया क्या, युग्मक, क्या हो गया, युग्मक। ये दोनों फ्यूज किया, दोनों मिला, मिलने के बाद यहाँ जायगोट बना, जायगोट से नया संतति। अब देखो यहाँ गैमेट जो है वो कौन अवस्था में होता है हमेशा, एन, यहाँ पर क्या हो गया, एन प्लस एन, यानी जायगोट कौन अवस्था में, टू एन, इम्ब्रियो कौन अवस्था में, संतान बनेगा इसका भी शरीर में जो सेल होगा कौन अवस्था में, टू एन, है ना। तो इसको नोट कर लो, चलो नोट करो इसको जल्दी फास्ट में। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है उसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है ना। अब इसमें हम लोग देख लिए कि दो संतत, दो जनक भाग लेता है और दो जनक के भाग लेने के बाद जो है दोनों का शरीर में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का निर्माण होने के बाद दोनों का युग्मक फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद नया संतति का निर्माण होता है, है ना। तो इस तरह का क्रिया होता है, इसी को हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे लैंगिक प्रजनन, क्या कहेंगे, लैंगिक प्रजनन, हो गया। अब लैंगिक प्रजनन का जो अन्य नाम है वो क्या है, एम्फीगोनी, क्या नाम है, एम्फीगोनी। तो कह सकते हैं, कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन का, लैंगिक प्रजनन का अन्य नाम एम्फीगोनी है, एम्फीगोनी है, लैंगिक प्रजनन का अन्य नाम एम्फीगोनी है, लैंगिक प्रजनन का अन्य नाम एम्फीगोनी है। इसमें दोनों प्रकार का युग्मक फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद नया संतति का निर्माण करता है, नया संतति का निर्माण करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सामान्य लक्षण, यानी जनरल फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या देखेंगे, जनरल फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरल फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन का सामान्य लक्षण, क्या, लैंगिक प्रजनन का सामान्य लक्षण, लैंगिक प्रजनन का सामान्य लक्षण, लैंगिक प्रजनन का सामान्य लक्षण। अब इसका सामान्य लक्षण का बात करें तो इसका सामान्य लक्षण में क्या सब आ जाएगा, यह कितना पैरेंटल होता है, द्विपैरेंटल, कितने पैरेंटल होता है, द्विपैरेंटल, ये द्विपैरेंटल होता है, इसीलिए इसे कह सकते हैं, सॉरी, यह द्विपैरेंटल होता है क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, है ना, यानी यह द्विजनकीय, ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाय पैरेंटल, क्या होता है, बाय पैरेंटल होता है, यह बाय पैरेंटल होता है क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेता है, कितने जनक भाग लेता है, दो जनक भाग लेता है,
क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेता है। यह द्विजनकीय होता है क्योंकि इसमें कितना जनक भाग लेता है? दो जनक, एक मेल और एक फीमेल, एक नर एक मादा, दो जनक भाग लिया। उसके बाद इसमें युग्मक का निर्माण होता है। हम लोग अभी तुरंत देखे इसमें युग्मक का क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। नर का शरीर में नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा के शरीर में मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर के शरीर में नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा के शरीर में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है तो और कुछ होता है? युग्मक का बनेगा तो क्या, मुंह देखने के लिए, फ्यूज करने के लिए, है ना? तो कह सकते हैं युग्मक का संयुग्मन होता है, यानी क्या होता है, यानी कह सकते हैं, यानी इस प्रकार का प्रजनन में, इस प्रकार का प्रजनन में निषेचन होता है, निषेचन होता है, इस प्रकार का प्रजनन में निषेचन होता है। उसके बाद अब इसमें देखो दो प्रकार का विभाजन होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, यानी इसमें इसमें अर्धसूत्री, अर्धसूत्री तथा समसूत्री, अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है, दोनों प्रकार का विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है ना? इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। किसमें? लैंगिक प्रजनन में। कैसे? सो देखो, समझ लो इसको, है ना? अब एक नर है एक मादा है। नर के वृषण में जनन कोशिका होता है। कौन कोशिका होता है वृषण में? जनन कोशिका होता है। अब मादा के अंडाशय में भी जनन कोशिका है, समझ लो। अब इस कोशिका में जो होता है कौन विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें कौन विभाजन? यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन। ये जनन कोशिका यानी गैमेट मदर सेल जो है, युग्मक मातृ कोशिका पढ़ाए हैं, युग्मक मातृ कोशिका और आगे पढ़ाने वाले हैं, है ना? देखो इसमें जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक मातृ कोशिका से, है ना? उसी से युग्मक का निर्माण होता है। यानी इसमें कौन युग्मक का निर्माण होता है? मादा युग्मक। और इसमें कौन युग्मक का? नर युग्मक का। मतलब युग्मक का निर्माण जो होता है, है ना, ये जो डिप्लॉयड एनिमल है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो युग्मक का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तब न यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो एक से बनता है चार, और चारों में क्रोमोसोम का संख्या आधा आधा, यानी इसमें 23 इसमें 23 इसमें भी 23 इसमें भी 23, है ना? दो फेज में पूरा होता है, अर्धसूत्री वन अर्धसूत्री टू, है ना? यहाँ भी जो है सो 46 रहता है, 23 बनता है, सब में 23। अब दोनों युग्मक फ्यूज करेगा, दोनों युग्मक फ्यूज करेगा तो बन जाएगा क्या? जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। जैसे जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद इसमें तुरंत स्टार्ट होगा अब कौन विभाजन? समसूत्री विभाजन। तब न भ्रूण में बनेगा दो सेल एक से, ये अगर यदि इसमें 46 है तो यहाँ भी 46 यहाँ भी 46 फिर बनेगा तो सब में 46। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, दोनों कोशिका बिल्कुल जनक के समान होता है। अर्धसूत्री में क्या होता है? एक से चार बनता है, चारों में
क्रोमोसोम की संख्या जनक के क्रोमोसोम का आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। तो वही चीज यहाँ पर है, तो इस तरह का क्रिया होता है। तो कुल मिला के हम क्या देखें कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन और कोण विभाजन, और कोण विभाजन समसूत्री विभाजन, यानी इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है, कुछ है इसमें। उसके बाद अब कह सकते हैं कि इसके द्वारा अधिक समय में, अधिक समय में, अधिक समय में कौम संतान का निर्माण होता है, कौम संतान का, अधिक समय में कौम संतान का निर्माण होता है, अधिक समय में कौम संतान का निर्माण होता है। किसके तुलना में, किसके तुलना में, अलैंगिक की तुलना में, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में, किसके तुलना में, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में। उसके बाद कह सकते हैं इस विधि में या इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान का जीवन काल, संतान का जीवन काल अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतान के जीवन काल की तुलना में, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में या अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतान की तुलना में, संतान की तुलना में कम होता है, सॉरी तुलना में इसका क्या हो जाएगा, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद इसमें विभिन्नता एवं उद्विकास, इसमें विभिन्नता एवं उद्विकास दोनों होता है, क्या होता है, दोनों होता है। इसमें विभिन्नता एवं उद्विकास दोनों होता है, इसमें विभिन्नता एवं उद्विकास दोनों होता है, इसमें विभिन्नता एवं उद्विकास दोनों होता है, इसमें विभिन्नता एवं उद्विकास दोनों होता है। अब विभिन्नता एवं उद्विकास क्यों होता है, क्योंकि दो पेरेंट्स के द्वारा नया संतति का निर्माण होता है, तो दोनों का कैरेक्टर इसमें रहेगा, माता का भी रहेगा और पिता का भी रहेगा, हो गया। क्या देखें इसमें हम लोग, इसमें क्या देखें कि यह कितना पेरेंटल होता है, द्विपेरेंटल, क्यों, क्योंकि इसमें कितना जनक भाग लेता, बोलो, है ना, दो जनक भाग लेता है, इसमें कितना जनक भाग लेता है, दो जनक भाग लेता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संयुग्मन भी होता है, यानी इस प्रकार का प्रजनन में कौन क्रिया होता है, निषेचन का क्रिया होता है, और इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों विभाजन होता है, कौन विभाजन होता है, अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। इसके द्वारा अधिक समय में कम संतान का निर्माण होता है, यानी अलैंगिक प्रजनन की तुलना में, और इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतान का जीवन काल, है ना, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतान की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसमें विभिन्नता और उद्विकास दोनों होता है, इसमें विभिन्नता और उद्विकास दोनों होता है, क्या कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये हो गया। अब देखो इसमें फिर हम लोग देख लेंगे कि ये तो इसका सामान्य लक्षण हो गया,
अब एक पॉइंट लेंगे यहां पादप, क्या लेंगे पादप यानी प्लांट्स। अब देखो ये प्लांट्स हो गया, प्लांट्स का बात करें तो जीवन काल के आधार पर प्लांट तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। ये प्लांट कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक होता है एनुअल प्लांट, दूसरा होता है बायनियल प्लांट, तीसरा होता है पेरेनियल प्लांट। तीसरा क्या होता है? पेरेनियल प्लांट। एनुअल का मतलब होता है एक वार्षिक, क्या होता है एक वार्षिक पादप। बायनियल का मतलब होता है, बायनियल का मतलब होता है, बायनियल का मतलब होता है द्विवार्षिक पादप, क्या होता है द्विवार्षिक पादप। उसके बाद है क्या पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है बहुवार्षिक पादप, क्या होता है बहुवार्षिक पादप। अब देखो अगर हम तीनों का बात करें, एक वार्षिक किसको कहेंगे जी, मतलब जो अधिकतम कितना दिन तक जीवित रहता हो, है ना, जो पादप अधिकतम एक वर्ष तक जीवित हो उसे हम क्या कहेंगे एक वर्षीय। वे पादप जो एक वर्ष से दो वर्ष तक जीवित हो क्या कहेंगे द्विवार्षिक। अब बहुवार्षिक है ना, वे पादप जो दो से अधिक वर्षों तक जीवित हो बहुवार्षिक कहेंगे। अब जैसे प्याज वगैरह को द्विवार्षिक में रखा गया है, जैसे धान गेहूं को एक वार्षिक में रखा गया है, है ना, एक वर्ष के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। बहुवार्षिक में मतलब जैसे आम कटहल ये सब ढेर सारा बहुत दिन तक जीवित रहता है तो उसको क्या कहेंगे बहुवार्षिक। नोट कर लेंगे इसको। एक वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवार्षिक। और लिख लेंगे कुछ पादपों में जीवन काल का तीनों प्रावस्थाओं का पता आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। अब जैसे तुमको कहेगा आम का पौधा बताओ कब इसमें वेजिटेटिव फेज है, कब रिप्रोडक्टिव फेज है, कब सेंसेंस फेज है, बता दोगे? बताना संभव नहीं है। बांस संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार पुष्प देती है, कितने बार? एक बार। बांस संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार पुष्प देती है, कितने बार? एक बार पुष्प देती है। एक बार यानी 100 वर्षों में, कितने वर्षों में? 100 वर्षों में, है ना, लगभग कितने वर्षों में? 100 वर्षों में एक बार पुष्प देती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एक बार पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव कई एक बार पूछा जा चुका है कि कौन सा पादप है जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार पुष्प देती है, बांस। और एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, नीला कुरेंजी,
बारह वर्षों में एक बार पुष्प देती है, बारह वर्षों में एक बार पुष्प देती है, एक बार पुष्प देती है, जो लिखेंगे जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, है ना। लिख लेंगे इसी में कि इसका पुष्प कौन महीना में, इसका पुष्प सितंबर अक्टूबर माह में 2006 ईस्वी के सबसे अधिक देखा गया था। क्या देखे, पादप जो है तीन प्रकार का होता है, एक वर्षीय, समझ लो, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवार्षिक। एक वर्षीय किसको कहेंगे, जिसका जीवन काल अधिकतम कितना वर्ष का हो, एक वर्ष का, बोलो। और जिसका जीवन काल अधिकतम दो वर्ष से अधिक, एक वर्ष से दो वर्ष हो, उसको क्या कहेंगे, जिसका जीवन काल दो वर्ष से अधिक हो, बहुवार्षिक। क्या कहेंगे, बहुवार्षिक। कुछ पादपों में जीवन काल का तीनों प्रवस्थाओं का पता लगाना आसान काम नहीं होता है, इसे आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। जैसे आम वगैरह हम देखोगे कि हर साल कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि होते रहता है, होता है ना। अब कैसे तुम पता करोगे, अब बांस का जो है, बांस कुछ ये अलग टाइप का बिहेव करता है, अपना पूरा जीवन काल में कितना बार पुष्प देता है, एक बार, कितने वर्षों में, लगभग 100 वर्षों में। नीला कुरिंजी का बात करें तो कितने दिनों में ये पुष्प एक बार देती है, 12 वर्षों में। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। कहेगा नीला कुरिंजी कहाँ पाया जाता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका पुष्प सबसे ज्यादा कौन माह, कौन ईस्वी में देखा गया था, 2006 ईस्वी में, कौन माह में, सितंबर अक्टूबर माह में देखा गया था। आज का क्लास यहीं तक।